कांग्रेस ने आज किसानों की आवाज उठाते हुए मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि श्वेत पत्र लाकर देश को बताएं कि किसानों की आय कितनी है। पीएम मोदी ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था और 2022 भी बीत गया, लेकिन किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई लेकिन कम जरूर हो गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। किसानों को लेकर पीएम मोदी फिर फंसते दिख रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं कि कब होगी हमारी आय दुगनी, क्योंकि पीएम मोदी ने देश के किसानों से वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन 2022 बीतने को है लेकिन आज भी किसान अपनी आय दुगनी होने की राह देख रहा है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख सुखपाल सिंह खेरा ने आज दावा किया कि पीएम मोदी के वादे के 6 साल बीतने के बाद किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई बल्कि घट गई। आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि फरवरी 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने ये बोला था कि हम अगले 6 सालों में फार्मर्स की और गरीब आदमी जो उनके सहायता करते हैं फार्म लेबरर्स की, इनकी आमदन को इनकी इनकम को डबल करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया था, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कमेटी DFIC इन 2016। अब 16 से लेकर के 22 तक पूरे 6 साल का समय हो गया है। किसानों के कर्ज माफी को लेकर भी आज कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। खेरा ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं किया। किसानों की आय को लेकर कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। तो हम कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप जो आपने झूठ बोला था, जो आपने बोला कि हम फार्मर्स की इनकम को आने वाले समय में डबल करेंगे, उसको आप पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर जारी करें, सारे देश को बताएं कि आपने क्या एफर्ट्स किए हैं और कितनी कीमतें जो पिछले जो मैंने कंपैरिजन कोट किया है 2014 से लेकर के 2004 से उठाएं, बल्कि 2004 से 2022 तक एक पूरा व्हाइट पेपर देश को पता लगना चाहिए कि फार्मर्स की इनकम को डबल किसने किया था और क्या उस वक्त इकोनॉमी थी उनकी, और पिछले लगभग 8 साल में मोदी साहब की सरकार में किसानों का और खेत मजदूरों की आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर का हम डिमांड कर। किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर मोदी सरकार की पोल खुल गई है और आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।